तो गाइस 2-3 महीने बाद ही आईफोन 16 का लॉन्च होने वाला है और अभी बहुत सारी आईफोन 16 की लीक्स आपको सुनने मिल रही होगी। तो आज आपको मैं वही बताने वाला हूं और कंफर्म लीक्स बताऊंगा जो कि बिल्कुल कंफर्म होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना क्योंकि बहुत लोग के क्वेश्चन होंगे कि भाई आईफोन 16 में 90 FPS या फिर 120 FPS बीजीएमआई पबजी में आएगा क्या, तो उसका भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना है एंड अभी फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस मैं इस वीडियो में पूरी 16 लाइनअप की बात करने वाला हूं, मतलब आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो, प्रो मैक्स है और नॉर्मल वर्जन जो आता है, नॉर्मल वेरिएंट है, तो उसकी मैं आपको कंफर्म लीक्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें 90 FPS आने वाला है या फिर 120 FPS आने वाला है। तो भी बात करते हैं इन सभी फोन्स की डिस्प्ले की जो कि लीक मिल रही है। तो आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस इन दोनों की सेम ही डिस्प्ले होने वाली है जैसे कि आईफोन 15 की है और 15 प्लस की है, बट यहाँ पे आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में चेंज होने वाला है। आईफोन 16 प्रो में आने वाली है 6.3 इंच की डिस्प्ले और आईफोन 16 प्रो मैक्स में आने वाली है 6.9 इंच की डिस्प्ले, जो कि देखा जाए ना तो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स से 2-2 इंच ज्यादा है। और बाकी ओएलईडी डिस्प्ले होगी या फिर कैसी डिस्प्ले होगी इसके लिए यहाँ पे कंफर्म नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ। और आपने ये भी बहुत ही ज्यादा सुना होगा पिछले आधे साल में, तो सुन ही लिया होगा 2024 में, कि जो आईफोन 16 की लुक होने वाली है वो आईफोन 11 और 12 जैसे होने वाली है, तो ये बिल्कुल सच होने वाला है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होने वाला है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसा होगा और ये भी आप देख सकते हो भाई कि 11 12 कैसा लगता है, तो बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलता जुलता है। और बाकी 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बस वही करेंगे, या तो ज्यादा बाहर निकाल देंगे नहीं तो अंदर कर देंगे, मतलब कैमरा वगैरह का। और 16 प्रो में अब की बार हमें कैमरा देखने मिलेगा 48 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस के साथ में। और बाकी कैमरा की कोई कन्फर्म लीक नहीं है, तो बाकी भी आप बहुत चीज सुन रहे होंगे तो उस पर भरोसा मत करना बिल्कुल भी, अभी बस कन्फर्म लीक यही वाली मिल रही है 5x टेलीफोटो वाली। और एक और चीज है जो कि इसकी बॉडी में एड होने वाली है आईफोन 16 की पूरी ही लाइनअप में, आईफोन 16 में भी, 16 प्रो मैक्स में भी, प्लस में भी, सब में, वो है कैप्चर बटन। और अभी जो हमको आईफोन में बटन देखने मिलते हैं ना, मतलब वो बटन टैप होते हैं, तो अभी वो टैप वाले बटन भी सब हट जाएंगे, अभी बस टच वाले बटन होंगे जिससे कि हम फोन को ऑन ऑफ करेंगे, वॉल्यूम को अप डाउन करेंगे, और एक कैप्चर बटन होगा जिससे कि हम कैप्चर कर सकते हैं फोटो वगैरह और भी बहुत सारे टास्क उससे कर सकते हैं। तो ये सब तो बात हो गई डिस्प्ले वगैरह की, डिजाइन वगैरह की, एंड अभी बात करते हैं इसकी पावर की, मतलब इसमें प्रोसेसर वगैरह कौन से देखने मिलने वाला है, रैम कितने होने वाली है, स्टोरेज कितना आने वाला है। तो पहले बात करते हैं रैम की, तो अभी आईफोन 16 से ही 8GB की रैम हमको देखने मिलेगी और आपको पता ही है भाई आईफोन की रैम इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है इवन 3GB की भी। अब 8GB रैम ये लोग इसलिए दे रहे हैं, वैसे तो ये लोग बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं एप्पल वाले, लेकिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि iOS 18 में AI फीचर्स आने वाले हैं और उसके लिए मिनिमम 8GB रैम रिक्वायर्ड है, तो इसी वजह से एप्पल अभी 8GB रैम से शुरुआत करने वाला है आईफोन 16 की लाइनअप में। और प्रो मैक्स में तो शायद भाई 12GB तक भी जा सकती है, 14-16 तक भी जा सकती है, ये कंफर्म नहीं है। और बाकी स्टोरेज हमको 128GB से ही चालू देखने मिलेगी, मतलब मिनिमम हमको 128GB परचेज करने का मौका मिलेगा, ऐसे नहीं कि अब डायरेक्ट 256 दे दिया 128GB हटा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बंदा बोल रहा था कि भाई 128GB वाला भी हटा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बंदों पे भरोसा मत करा करो। एंड अभी बात कर लेते हैं मेन चीज की जो कि है प्रोसेसर। तो आईफोन 16 में हमको देखने मिलने वाला है A18 बायोनिक चिपसेट और 16 प्लस में भी A18 बायोनिक चिपसेट ही देखने मिलेगा और आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में A18 प्रो चिपसेट हमको देखने मिलेगा। तो भाई पूरी लाइनअप यहाँ पे A18 से पावर्ड होने वाली है। और अभी बात कर लेते हैं बीजीएमआई पबजी ग्राफिक्स की, कि बीजीएमआई पबजी के ग्राफिक हमको क्या देखने मिलेंगे अब की बार। तो देखो आईफोन 16 का तो मैं कंफर्म ये बोल सकता हूँ कि 90 FPS आने वाला है, वैसे कोई ये लीक नहीं मिली है कि 90 FPS आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे 120 FPS पबजी में आ चुका है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब 90% चांसेस है कि 90 FPS तो मिनिमम दे ही देंगे और 90Hz की हमको डिस्प्ले देखने मिलेगी ही अब की बार आईफोन 16 प्लस में भी और आईफोन 16 में भी, जबकि आईफोन 16 प्रो मैक्स और आईफोन 16 प्रो में हमको 120 FPS की सेटिंग देखने मिलेगी। और ये इनको करना ही पड़ेगा भाई, ये ऐसे नहीं कर सकते कि 60 FPS पे ही छोड़ देंगे, नहीं तो फिर कोई भी बीजीएमआई पबजी गेमर ना आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं जितना मेरे को लगता है, क्योंकि भाई 120 FPS का एडवांटेज अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर से अगर एप्पल ने पिछले 5-6 साल से जैसे एप्पल कर रहा है, मतलब 60 FPS ही दे रहा है नॉर्मल वेरियंट में, वैसे फिर से 60 FPS दिया तो सही में रेपुटेशन खराब होने वाली है एप्पल की और बहुत ज्यादा हेट एप्पल को मिलने वाला है अगर ऐसा फिर से हुआ। एंड अभी मेन चीज रह गई है जो कि है बैटरी परफॉर्मेंस, कि बैटरी बैकअप यहाँ पे इम्प्रूव देखने मिलेगा आईफोन 16 पे या फिर नहीं देखने मिलेगा। तो देखो वैसे अगर हम आईफोन की हिस्ट्री से देखें ना, तो भाई बैटरी बैकअप तो इम्प्रूव हो रहा है और अच्छा खासा हमको बैटरी बैकअप देखने मिलता है, लेकिन ये लोग फिर भी बैटरी कभी कभी ना घटा देते हैं, तो देखते हैं कि अब की बार यहाँ पे इन लोगों ने घटाया है या फिर नहीं घटाया। तो स्क्रीन पे अभी आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो आईफोन 16 की बैटरी तो 3561 mAh की बैटरी हमको देखने मिलेगी, जो कि
iPhone 15 से 6.3% ज्यादा है। तो नॉर्मल वेरिएंट में हमको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने मिलने वाला है, लेकिन अगर अभी हम बात करें iPhone 16 Plus की तो इसमें हमको 4006 mAh की बैटरी देखने मिलने वाली है, जो कि iPhone 15 Plus से 8.6% कम है। तो 15 Plus में यहाँ पे जरूर से घटा दिया है, लेकिन मेरे को एक्चुअल में लगता नहीं है कि घटाया होगा वैसे बैटरी बैकअप। A18 बायोनिक चिपसेट हमको देखने मिलने वाली है इसमें, जो कि भाई सही में बैटरी तो अच्छी चलाएगी ही जितना मेरे को लगता है। और अभी आप लोग यहाँ पे iPhone 16 Pro की भी देख सकते हो, 3355 mAh की बैटरी देखने मिलने वाली है, जो कि 15 Pro से 2.5% ज्यादा है। एंड अभी 16 Pro Max की भी फटाफट से देख लेते हैं, तो 4676 mAh की बैटरी देखने मिलने वाली है, जो कि 5.7% ज्यादा है iPhone 15 Pro Max से। अब देखो, आपको ये जरूर से लग रहा होगा कि भाई 15 Plus में तो mAh घटा दी है, अब बैटरी बैकअप भी इसमें कम मिलेगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम हिस्ट्री को भी ध्यान में रख के देखें तो जब भी mAh कम भी होती है ना, तो भी हमको बैटरी बैकअप थोड़ा तो यहाँ पे देखने मिलता ही है इंक्रीज्ड। और जितना मेरे को एक्सपीरियंस है आईफोन का और लीक्स वगैरह भी मैं जितनी फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, तो हाँ बैटरी mAh ये लोग जरूर से कम करते हैं एक ना एक मॉडल की, लेकिन फिर भी उसका बैटरी बैकअप ना पहले से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड ही देखने मिलता है हमेशा। और अभी चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं, तो 40 वोल्ट की वायर चार्जिंग हमको देखने मिलेगी, जो कि 27 वोल्ट से 40 वोल्ट इन लोगों ने कर दी है, तो मतलब 13-12 वोल्ट इन लोगों ने बढ़ाई है। और 20 वोल्ट की मैगसेफ चार्जिंग देखने मिलेगी, जो कि पहले 15 वोल्ट की थी शायद। और भाई अभी एंड्रॉइड से अगर हम इसको कंपेयर करें ना, तो एंड्रॉइड वाले तो भाई 150 वोल्ट पे भी पहुंच चुके हैं, और एप्पल वाले अभी भी 50 पे ही अटके हुए हैं, 50 भी टच नहीं किया। तो यही थी हमारी सारी लीक्स है, जो कि अभी कन्फर्म है, बस वो 90 FPS वाली मैं अपने तरफ से बोल रहा था। और अगर आप फिर भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो भाई ऐसा ही होता है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इन लीक्स पे, नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और लाइक कर देना हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि जो भी लोग वीडियो देखते हैं ना, उनमें से बस 7.8% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।